शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वल्लभ भाई पटेल और विश्व में सबसे ऊंचा मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी पे आधारित है। देखिएगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न हम आपको बताएंगे और लास्ट तक जो है आप बने रहिएगा, इसलिए कि वल्लभ भाई पटेल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हम आपको इस वीडियो में शामिल किए हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में भी कुछ रहस्यमयी बात बताने वाले हैं। आपको याद होगा कि उनका यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का ऊंचाई जो है 182 मीटर है, लेकिन आपको कहीं कहीं जो है ना कुछ बात और समझने वाली बात है। संपूर्ण ऊंचाई पूछ देगा तब जो है वो 182 मीटर नहीं होता है, सिर्फ उनका मूर्ति जो है ना उसका ऊंचाई जो है आपका 182 मीटर है, लेकिन वो संपूर्ण ऊंचाई नीचे से लेकर ऊपर तक पूछ देगा तो वो दूसरा होता है। ठीक है, वो सभी बातों को हम आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये है कहाँ, यानी स्थान जो है ये गुजरात के केवड़िया में, गुजरात के केवड़िया। अब देखिए, गुजरात के केवड़िया एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम बदल करके एकता नगर किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसका ऊंचाई जो है 182 मीटर। एक बात और बताएंगे, आप लास्ट तक बने रहिए, क्या बात रहेगा यानी कि संपूर्ण ऊंचाई क्या होगा वो हम पूरा क्लियर करेंगे। पहले टोटल क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ये बनकर तैयार जो हुआ 2018 में, ठीक है, ये मूर्तिकार या वास्तुकार, मूर्तिकार इसका कौन है तो राम वी सुतार। ठीक है, आगे देखिए, बनाने वाली कंपनी कौन था तो लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी था जो इस मूर्ति को बनाया। ये समर्पित है किनको, ये जो मूर्ति है ये समर्पित किनको है तो वल्लभ भाई पटेल को। अब देखिए आगे है, विश्व में सबसे ऊंचा मूर्ति कौन है तो विश्व में सबसे ऊंचा मूर्ति जो है आपका एकता की मूर्ति। और ये किसका नाम है तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का को ही कहते हैं एकता की मूर्ति या स्टैचू ऑफ यूनिटी, बात समझ रहे हैं। अब देखिए, भारत का लौह पुरुष किनको कहते हैं तो वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किनको कहते हैं तो ये भी इन्हीं को कहते हैं। अब देखिए, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ है तो ये अहमदाबाद में है। अब देखिए, अहमदाबाद हवाई अड्डा का नया नाम क्या है तो वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, याद रखिएगा। अब देखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था तो 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। किनका तो वल्लभ भाई पटेल का। इनका मृत्यु जो हुआ था आपका 15 दिसंबर हुआ था 1950 को। तो सोचने वाली बात है, इनको भारत का बिस्मार्क या भारत का एकीकरण का जन्मदाता या जनक जो है वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं।
सोच सकते हैं कि ये भारत को एक बनाए थे, और सोचिए कि संविधान लागू हुआ उसके ही बाद जो है इनका मृत्यु हुआ। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना, तो वही कह सकते हैं कि वो वर्ष पूरा जीवित रहे, और लास्ट में जो है 15 दिसंबर 1950 को इनका मृत्यु हो जाता है। अब देखिए इनको भारत रत्न जो मिलता है मरणोपरांत मिलता है, और कब मिला मिलता है तो 1991 में, 1991 में मरणोपरांत, मरणोपरांत। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत रत्न का प्रारंभ कब हुआ था, ये बताना है, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो यही थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। और गृह मंत्री भी यही थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री। अब देखिए इनका उपनाम था सरदार, सरदार, सरदार। ये उपनाम जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। कभी कभी आपको ऑप्शन में बारदोली की महिला नहीं रहता है, तो वहां पे गांधी जी आपको सही आंसर मारना होगा, इसलिए कि कहीं कहीं जो है आप देखिएगा किताब वगैरह बुक वगैरह पढ़िएगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा कि बारदोली की महिलाओं के तरफ से गांधी जी दिए थे, है ना। ऐसे जनरली आपको बारदोली की महिला ही ऑप्शन रहेगा और वही आपको आंसर मारना है, ठीक है। वो नहीं ऑप्शन रहेगा तब आपको गांधी जी पे जाना है। अब देखिए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में हुआ था, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह के दौरान जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि मिला था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं, तो यही तो है 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, अक्टूबर को जो है मनाते हैं क्या, तो राष्ट्रीय एकता दिवस। अब बात करते हैं यहां ऊंचाई पर, देखिएगा इसका ऊंचाई जो है 182 मीटर तो है ही, ये सिर्फ जैसे मान लिया जाए कि मूर्ति जो बना हुआ है इस तरह से वल्लभ भाई पटेल का यहां से यहां तक, इसका जो है आपका 182 मीटर है, लेकिन ये जो है पहले नीचे आधार है बना हुआ उस पे बना हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि आधार सहित, आधार सहित स्टैचू ऑफ यूनिटी का ऊंचाई कितना है, तो उसका आंसर बदल जाएगा। देखिए आपको हम लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं आधार, आधार सहित, सहित स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी का ऊंचाई, ऊंचाई एच लिख देते हैं, तब हो जाएगा 200 आपका, देखिए 58 फीट यहाँ पे है तो 240 हो जाएगा आपका, 58 फीट जोड़ दीजिए, आप जोड़ सकते हैं 5 और 8, ठीक है, 58 फीट जो है आधार है, तो 8 2 10 हो गया 0, ठीक है, और 8 5 13 और 1 14, 4 के 4 हो गया, 1 1 2, सही बात है, ठीक है। यहाँ हम आपको इस तरह से जोड़ करके बता रहे हैं इसलिए ताकि इसी बहाने आपको दोनों बतिया याद रहे, है ना, आधार कितना है तो 58 मीटर, ठीक है, और ये जो है आधार को सहित बोल देगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संपूर्ण ऊंचाई आधार सहित कितना मीटर है, तो आपको आंसर क्या मानना है 240 मीटर। अगर क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति का ऊंचाई कितना है, तो 182 मीटर, बात समझ में आ रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा 58 मीटर जो है उसका आधार है ना, और ये जो है गुजरात के केवड़िया में स्थापित किया गया है। तो चलिए एक बार फिर से तेजी से रिवीजन कर लीजिए, तो स्थान कहाँ है यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ, तो गुजरात के केवड़िया में, ऊंचाई कितना है 182 मीटर, आधार सहित ऊंचाई तो 240 मीटर, जिसमें 58 मीटर जो है आपका आधार है। ये बनकर तैयार हुआ 2018 में, मूर्तिकार या वास्तुकार कौन थे, रामवीर सुतार थे, बनाने वाली कंपनी जो थी लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी थी,
समर्पित है ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किनको, तो वल्लभ भाई पटेल को। और विश्व में सबसे ऊंचा मूर्ति कौन है, तो एकता की मूर्ति या स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, आगे देखिए, भारत का लौह पुरुष कौन है, तो वल्लभ भाई पटेल है, वल्लभ भाई पटेल है। देखिए, हो सकता है कोई इसको स्क्रीनशॉट करिएगा ता आपको लगेगा कि एकता की मूर्ति कहाँ है ना, तो यहाँ पे आप लिख ले सकते हैं क्या, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी, ठीक है, यूनिटी इसी का ही नाम है। ठीक है, तो भारत का लौह पुरुष कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को, भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को, और वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ है, तो अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद हवाई अड्डा का नया नाम क्या है, तो वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को, मृत्यु हुआ था 15 दिसंबर 1950 को, है ना। भारत रत्न इनको मरणोपरांत मिला था 1991 में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री थे कौन, वल्लभ भाई पटेल। इनका उप नाम था सरदार, और इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था 1928 में, और इन्हीं के याद में, इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। तो सोच सकते हैं कि एकता नगर किया गया है केवड़िया को, केवड़िया जो स्थान है उसको एकता नगर, और आपको पता है कि एकता दिवस भी मनाते हैं वल्लभ भाई पटेल के याद में। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं कि भारत रत्न का प्रारंभ कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज भी इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।